नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस। हमारा टारगेट है 2021 का यूपीएससी एग्जाम एंड दिसंबर 2020 के GS2 के वीक 3 के करंट अफेयर्स हम अभी देख रहे हैं। तो लेट अस सी कि कौन से टॉपिक्स हैं GS2 के जो हम डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक इज द इश्यूज विद द इंडियन जुडिशियरी। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल रिसेंटली आया था, तो विल हैव अ ब्रॉड लुक एट क्या क्या चीजें उस आर्टिकल में दिए हुए हैं एंड इश्यूज विद द इंडियन जुडिशियरी एंड सजेशंस क्या दिए हुए हैं, वी विल हैव अ लुक एट दैट। सेकंड थिंग है यूएस करेंसी मैनिपुलेटर्स लिस्ट। इसके वॉच लिस्ट में हमें इंडिया को शामिल किया गया है। कहा गया है कि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द करेंसी मैनिपुलेटर्स, इस तरह से यूएस ट्रेजरी के द्वारा कहा गया है। तो वी विल हैव अ लुक एट दैट आल्सो। देन प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, तो ये भी रिसेंटली इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है पीएम वानी इनिशिएटिव के नाम से, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो इसका डेटा जो है, सम पार्ट ऑफ दैट डेटा, फेज वन का डेटा जो है वो रिलीज हुआ है। तो इससे रिलेटेड इन्फरेंसेस एंड व्हाट इज दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जो रिसेंटली रिलीज हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स विच यू कैन कोट इन योर आंसर्स, ऑल्सो समटाइम्स प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज थी, वी विल ऑल्सो हैव अ लुक एट दैट। ओके, सो लेट अस बिगिन विद the first topic, that is issues with the Indian judiciary, right? So ye recently news mein kyun tha? To citizens of the country expect the institution, the which is nothing but the judiciary and its constituents to be ideal, and the challenge of the Supreme Court is to come to terms with that reality. Okay, to Indian judiciary का हमारा एपेक्स जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को आइडियल माना जाता है, आइडियल होना चाहिए इस तरह से माना जाता है, आइडियल कोर्ट की तरह, बट इट कैन नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल, रियलिटी कुछ और ही है। तो उससे जो है लोगों को अवगत कराने की ज़रूरत है एंड इन अ वेरी प्रॉपर एंड बैलेंस्ड मैनर आइडियल कोर्ट होने की ज़रूरत है, इस तरह से कहा जा रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडियन जुडिशियरी के जो इश्यूज है वो भी हाईलाइट किए गए हैं, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, राइट? सो लेट अस हैव अ लुक एट द प्रोविजंस। तो फर्स्ट यहाँ पर इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस पर बात की गई है, तो पहला कहा गया है कि इंडिया has one of the most comprehensive legal aid programs in the world, Legal Services Authority Act of 1987। इसके तहत लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो है पूरा प्रमाइस एज अ वेलफेयर स्टेट हम प्रोवाइड करते हैं। दैट टू फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने का प्रोविजंस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के तहत दिया गया है टू ऑल वेमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। दे आर टोटली एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड। ऑल्सो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड चिल्ड्रन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने का प्रोविजंस इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के तहत दिया गया है, राइट? सो दैट इज द स्टैट्यूटरी थिंग, द एंटायर प्रमाइस जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। देन व्हाट आर द इश्यूज? सो फर्स्ट वन इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्ट ओनली, जिसके वजह से हमने इस एक्ट के बारे में देखा। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है, देर हैज़ बीन लिटिल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड अ टास्क फोर्स ऑफ केयरफुली सेलेक्टेड वेल ट्रेन्ड एंड रीजनेबली पेड एडवोकेट्स टू प्रोवाइड द सर्विसेज अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। तो नंबर वन थिंग है कि विलनेस नहीं है टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड इट्स प्रोविजंस। जहां पर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू कम अप विद अ टास्क फोर्स, ऑल्सो विद द टीम ऑफ एडवोकेट्स जो फ्री लीगल एड इस तरह से प्रोवाइड करेगा,
व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं देन हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर कि ये एक्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा राइट तो ऐसा टास्क फोर्स ऐसे एडवोकेट जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत हेल्प कर पाए ये बिल्ड करने में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव बीन टोटली दे हैव नॉट डन दिस सो इन कंपेरिजन द सिस्टम ऑफ लीगल एड इन द यूनाइटेड किंगडम आइडेंटिफाइज एंड फंड्स several independent solicitor officers to provide such services. So, United Kingdom में जो independent solicitor officers हैं, उनको fund करते हुए इस प्रकार का जो है legal aid to some of the specific sections of the society provide किया जाता है. उससे India can be learning. India is yet to put in place anything similar to this. तो India में इस तरह की चीज है ही नहीं. That is India is yet to put in place that thing. Poor judge population ratio. तो judge population ratio भी बहुत कम है, which means that कि recruitment बढ़ना चाहिए, number of people जो recruit हो रहे हैं वो बढ़ना चाहिए. एक comparison अगर करें तो US में 100 judges per million population होते हैं, Canada में 75 होते हैं, UK में 50 होते हैं. India on the other hand only has 19 judges per million population. Can you imagine? So this is almost less than one fifth of what US has. So 19 judges per million population होते हैं, and that is why there is no doubt कि हमारा India में cases जो है उसकी pendency इतनी ज़्यादा है. तो ऑफ दीज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 1/4 इज ऑलवेज वेकेंट. तो एटलीस्ट 1/4 जो है वेकेंट रहता है. तो दीज आर द टोटल पोस्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड. 1/4 एटलीस्ट वेकेंट रहता है राइट. व्हाइल मच इज रिटन ऑन वेकेंसीज टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, हार्डली एनी अटेंशन इज फोकस्ड ऑन दिस गेपिंग इनएडक्वेसी इन लोअर कोर्ट्स राइट. इसके बारे में कुछ भी बहुत बड़ा स्टेप जो है वो नहीं लिया जा रहा है. तो ऑलरेडी द जज टू पॉपुलेशन रेशियो इज वेरी लो. द सेकंड थिंग इज उस लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो में भी 1/4 ऑफ देम आर ऑलवेज वेकेंट. ओके 1/4 ऑफ देम रिमेन वेकेंट ऐसा कहा जा रहा है. तो द ऑब्वियसली पेंडेंसी ऑफ केसेस ज्यादा होगी ही. इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द जज पॉपुलेशन रेशियो टू एटलीस्ट 50 पर मिलियन पॉपुलेशन विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट. दिस हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड. तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के दौरान कहा था कि द नंबर ऑफ एडवोकेट्स एंड द जज पॉपुलेशन रेशियो नीड्स टू बी गोइंग अप एटलीस्ट 50 तक लेकर आओ 19 से ऐसा कहा गया था. एंड ये चीज अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. दैट इज वन इश्यू. देन द थर्ड इश्यू इज एक्सेस टू जस्टिस. दो एक्सेस टू जस्टिस हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली स्पेल्ट आउट एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज सच बाय इंडियन कोर्ट्स. तो एक्सेस टू जस्टिस एक फंडामेंटल राइट के तरह ट्रीट किया गया है. दो एक्सक्लूसिवली इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट देन इसे ऐसा ट्रीट किया जाता है. तो एक्सेस टू जस्टिस मिलना चाहिए. एंड अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सदान सुप्रीम कोर्ट के एक केस में अनएम्बिग्यूअसली ये कहा गया था कि लाइफ एम्प्लाइज नॉट ओनली लाइफ इन फिजिकल सेंस बट अ बंडल ऑफ राइट्स दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग. देर इज नो जस्टिस और अदर बेसिस फॉर होल्डिंग दैट डिनायल ऑफ एक्सेस टू जस्टिस विल नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो डिनायल ऑफ एक्सेस टू जस्टिस विल डेफिनेटली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड दैट इज वाई आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है उसके तहत पीपल हैव द राइट टू एक्सेस टू जस्टिस राइट. पर ये चीज नहीं हुई है सही तरीके से. फर्दर द कोर्ट पॉइंटेड आउट 4 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सेस टू जस्टिस.
तो एक्सेस टू जस्टिस किस तरह से मिल सकती है? एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म्स लाइक यू कैन हैव आर्बिट्रेशन, यू कैन हैव वेरियस अदर अल्टरनेटिव वेज जिससे जस्टिस मिल सके एंड लोड जो है हमारे कन्वेंशनल कोर्ट्स पे कम हो सके एंड कन्वीनियंटली एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए एंड स्पीडी एंड अफोर्डेबल डिस्प्यूटेंट्स के लिए होना चाहिए जो कि एडजुडिकेशन का प्रोसीजर है, राइट? सो ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए, इस तरह से कहा गया है. तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड दैट देयर इज नीड टू इंप्लीमेंट द अबव एंड ऐड टू देम फर्दर. ठीक है, तो दिस वाज रिलेटेड टू द इश्यूज विद द इंडियन जुडिशियरी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूएस करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट. रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि यूएस ट्रेजरी ने लेबल किया है स्विट्जरलैंड एंड वियतनाम एज करेंसी मैनिपुलेटर्स. Added three new names including India to a watch list of countries if suspected of taking measures to devalue their currencies against the dollar. तो US ने स्विट्जरलैंड वियतनाम को करेंसी मैनिपुलेटर्स लिस्ट में एड कर दिया, नंबर वन. नंबर टू, इट ऑल्सो हैज अ वॉच लिस्ट कि किसको एड करना है नहीं करना है. तो अभी इंडिया इस वॉच लिस्ट में पहुंचा है. And if India is felt to be manipulating its currency against dollar, तब इसे भी currency manipulators list में डाल दिया जाएगा. Okay, so that's why US का currency manipulator list recently news में था. तो what are the reasons कि इस currency manipulator list में डाल दिया जाएगा? तो यहाँ पर रीजंस ये दिया जा रहा है बाय यूएस ट्रेजरी कि स्विट्जरलैंड वियतनाम जो है दे हैड इंटरवेंड हैवीली इन करेंसी मार्केट्स. तो करेंसी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन इनका हुआ है टू प्रिवेंट इफेक्टिव बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट. तो जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, उसको ऊपर नीचे करने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में दखल दिया गया है बाय दीज टू कंट्रीज, दैट इज स्विट्जरलैंड एंड वियतनाम. ऑल्सो इंडिया सिंगापुर हैड ऑल्सो इंटरवीन्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन अ सस्टेन्ड असिमेट्रिक मैनर, डिड नॉट मीट अदर रिक्वायरमेंट्स टू वारंट डेजिग्नेशन एज मैनिपुलेटर्स. तो इंडिया एंड सिंगापुर को भी कहा गया है कि ये लोग भी इस तरह से करेंसी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जो लिस्ट है उसमें नाम लिखने लायक नहीं है. दे कैन रिवर्ट बैक, बट ये करेंसी मैनिपुलेशन उनके द्वारा किया जा रहा है. तो डेलिबरेटली डीवैल्यूइंग देयर करेंसी अगेंस्ट द डॉलर, तो अपने करेंसी को डॉलर के मुकाबले डी वैल्यू करने का काम किया जा रहा है, जिसे करेंसी मैनिपुलेशन कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है. तो करेंसी मैनिपुलेशन और ये डी वैल्यूएशन किस लिए किया जाता है वो हम देखेंगे, बट करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब वो है जो कहा जा रहा है बाय द यूएस की इंडिया सिंगापुर स्विट्जरलैंड वियतनाम सभी कर रहे हैं, राइट? सो डेलिबरेटली डीवैल्यूइंग करेंसी अगेंस्ट द डॉलर, करेंसी अगेंस्ट द डॉलर डीवैल्यू कर रहे हैं, तो दैट विल अमाउंट फॉर यू टू बी पार्ट ऑफ यूएस वॉच लिस्ट एंड देन अल्टीमेटली यूएस करेंसी मैनिपुलेटर्स लिस्ट. प्रैक्टिस वुड मीन दैट द कंट्री इन क्वेश्चन इज आर्टिफिशियली लोअरिंग द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर्स. This is because devaluation would reduce the cost of exports from that country and artificially show a reduction in trade deficits as a result. तो devaluation के वजह से cost of exports जो है वो कम हो जाएगा, while profits जो exports से होगा वो बढ़ते जाएगा, इस तरह से कहा गया है. And इससे ट्रेड डेफिसिट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इश्यूज आ जाएगा जो कि ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया कि कोई कंट्री यूएस के इस करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में आए? तो टू बी लेबल्ड एज अ मैनिपुलेटर यूएस ट्रेजरी कंट्रीज को ये सारे जो क्राइटेरिया है वो उन्हें कंपल्सरली फॉलो या फिर ऐसा सीनेरियो उस कंट्री में होना चाहिए. 20 बिलियन प्लस बायलेटरल ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, तो यूएस के साथ 20 बिलियन प्लस बायलेटरल ट्रेड सरप्लस होना चाहिए उस कंट्री का. ऑल्सो फॉरेन करेंसी जो फॉरेन करेंसी है उसका इंटरवेंशन
2% एक्सीडिंग देयर जीडीपी होना चाहिए एंड ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 2% ऑफ जीडीपी को एक्सीड करना चाहिए। तो ये तीनों जो यहाँ पर कंडीशंस दिए गए हैं, अगर कोई कंट्री इनको जो है इन पे खरे उतरता है तो दैट कंट्री विल बी अ पार्ट ऑफ करेंसी मैनिपुलेटर, राइट। तो करेंसी मैनिपुलेशन में होता क्या है, उसमें कोई कंट्री अपने करेंसी को डीवैल्यू करता है, यानी कि अपने करेंसी को दूसरा करेंसी लेट्स से डॉलर के सामने कमज़ोर बनाया जाता है इसे। तो डॉलर के सामने लेट्स से 80 रुपीस एक डॉलर हुआ, देन हमारे आरबीआई ने कुछ किया एंड देन करेंसी डीवैल्यूएशन किया, लेट्स से 100 रुपीस एक डॉलर हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे हमें एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, राइट। तो एक्सपोर्ट हमने कुछ किया तो उसका वैल्यू लेट्स से $1 है, तो पहले आपको ये जो $1 आपको मिल रहा है 80 रुपीस ही मिल रहा था, लेकिन अभी ये एक्सपोर्ट करने से ड्यू टू द सेकंड सिनेरियो 100 रुपीस आपको मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, कंट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा, इस तरह से दिखाई देगा, राइट। सो ये कैसे किया जाता है, तो इन्फ्लेशन ला के बाय द सेंट्रल बैंक ये किया जाता है, जहाँ पर सेंट्रल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मनी इनटू द मार्केट डालने की कोशिश करेगा, जिससे इन्फ्लेशन आएगा एंड इन्फ्लेशन के वजह से एक्सचेंज रेट्स में इश्यूज ऊपर नीचे आ जाते हैं, एंड इसे आर्टिफिशियली किया जा सकता है। एंड दैट विच कंट्री कम्स अप टू दीज कंडीशंस, वो कंट्री करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में एंटर कर जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, देयर विल बी प्रेशर ऑन आरबीआई टू कट डाउन इंटरवेंशन अलाउ द रुपी टू अप्रिशिएट। तो इंटरवेंशन कम करके रुपी को अप्रिशिएट करने का प्रेशर है आरबीआई के सामने। हमारे टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस को क्या कहा जा सकता है, द टैग डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। तो अगर करेंसी मैनिपुलेटर्स के लिस्ट में यूएस डालता है तो कोई ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी करता है क्या, नो वह सब कुछ नहीं होता। फॉर इकोनॉमी अ स्ट्रॉन्गर रुपी वुड पार्शियली ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस ऑन इम्पोर्ट्स। ओके, तो राइजिंग ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड इश्यूज को ऑफसेट करने के लिए स्ट्रॉन्गर रुपी होना चाहिए। आरबीआई के लिए इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स रिजर्व टू इंक्लूड नॉन डॉलर एसेट्स। तो आरबीआई के पास डॉलर एसेट्स बहुत ज़्यादा है, तो नॉन डॉलर एसेट्स आरबीआई को लेने चाहिए, इस तरह से कहा जा रहा है। तो दिस वाज अबाउट यूएस करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसे पीएम वाणी भी कहा जा रहा है। तो इसके तहत पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स बाय पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड टू प्रोवाइड पब्लिक वाईफाई सर्विस थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेस। पब्लिक डेटा ऑफिसेस के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स के तहत पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है अंडर पीएम वाणी। तो ये जो है इट इज स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने से रिलेटेड ये जो है इनिशिएटिव है। एक्सेलरेट प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट पब्लिक वाईफाई को बढ़ाने से रिलेटेड। तो ये प्रोजेक्ट है क्या, 3 कॉम्पोनेंट्स है इसमें। पब्लिक डेटा ऑफिस, तो ये पीडीओ कैन बी एनीवन एंड इट इज क्लियर दैट अलोंग विद इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर द गवर्नमेंट आल्सो सीज दिस एज अ वे टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स। तो इंडिविजुअल्स और स्मॉल शॉपकीपर्स जो हैं उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, तो समटाइम्स इफ़ दे डू नॉट हैव प्रॉपर इंटरनेट तो वाईफाई दिया जा सकता है, या फिर इन जनरल पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड करने का काम किया जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पीडीओज विल नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी काइंड, दस ईजिंग द रेगुलेटरी बर्डन ऑन दैम। तो कोई तरह का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, so as to give out this thing. Next is the PDOA aggregator, who is basically the aggregator who will buy bandwidth. तो ऐसा होगा PDOA जो है he will be buying the bandwidth जिसको use करके internet services provide किए जाएंगे। तो PDOA PDO को
अलग अलग पीडीओस को ये बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इससे जो इंटरनेट है वो देने का काम ये पीडीओस करेंगे। जैसे कि कोई शॉपकीपर हो गया, कोई स्टोर हो गया, वहाँ से आपको इंटरनेट की सेवा दी जा रही है, तो वो पीडीओए उनको पीडीओस को देता है ये इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करने का पूरा चीज। विल बाय बैंडविड्थ फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये बैंडविड्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की। एंड टेलीकॉम कंपनीज एंड सेल इट टू पीडीओस व्हाइल आल्सो अकाउंटिंग फॉर डेटा यूज्ड बाय ऑल पीडीओस। ओके, डेटा यूज्ड बाय ऑल द पीडीओस वो अकाउंट किया जाएगा आल्सो। इस तरह से जैसे मैंने कहा पीडीओस को ये बैंडविड्थ बेचा जाएगा। फाइनली यू हैव द ऐप प्रोवाइडर, थर्ड कंपोनेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है, ऐप प्रोवाइडर हु विल क्रिएट एन ऐप थ्रू विच यूजर्स कैन एक्सेस एंड डिस्कवर द वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स। तो ये यूजर्स को वाईफाई देगा, तो उसको ऐप एक डाउनलोड करना होगा और उस ऐप के तहत उसे इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगे। तो ये सारा जो है प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के बारे में है। तो प्राइम मिनिस्टर ये जो पीएम वाणी इनिशिएटिव है, इसका टू पिलर्स है। एक तो इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, अलग अलग प्लेसेस से आप जो है कनेक्ट कर पाए, और बार बार आपको कनेक्ट करने समय अपना सारा रजिस्ट्रेशन बार बार ना करना पड़े अलग अलग स्टोर्स में। तो ये एक यूनिक एंड पूरे इंडिया में इस तरह का करने का सोचा जा रहा है, तो काफ़ी सही है। तो द सेकेंड इज मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन ये देता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो दैट विल बी वेरी ईजी। इट इज सजेस्टेड दैट द रिपोर्ट दैट इन द रिपोर्ट, तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट आई है, दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑथेंटिकेशन थ्रू अ वन टाइम पासवर्ड फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ एक्सेस मे बी क्यूबर्सम एंड ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन थ्रू द स्टोर्ड ई के वाई सी इज एंकरेज। तो बार बार आप अलग अलग जगह पे जा रहे हैं तो बार बार आपको जो है रजिस्टर करना पड़ रहा है, तो वो नहीं करके पूरा जो एक व्यक्ति से दिया गया है वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सही तरीके से केवाईसी के थ्रू पूरा इंटरऑपरेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो केवाईसी का यूज़ होगा तो जाहिर है कि आधार का भी यूज़ होना होगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नीड फॉर ऑल ऑफ दिस, जैसा कहा गया है विथ ईच मूव टुवर्ड डिजिटाइजेशन वी आर थ्रेटनिंग टू लीव बिहाइंड अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो डिजिटाइजेशन हो रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, पर लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन पीछे ही रहती जा रही है, दैट इज एन इश्यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक पीएम वाईफाई इंटरफेस और ये इनिशिएटिव के तहत ये चीज़ें जो हैं इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। नीति आयोग ने कहा है कि इंडिया कैन क्रिएट $1 trillion ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय 2025। डिजिटल टेक्नोलॉजी सही तरीके से यूज़ होगा तो $1 trillion तक इकोनॉमिक वैल्यू हम क्रिएट कर सकते हैं। देन ट्राई के डेटा पे बताया जाता है कि 54% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेट। 54% को ही एक्सेस है, बाकी पीपल को भी एक्सेस होनी चाहिए, तो वो प्रोवाइड करने के लिए वी नीड टू गेट दीज इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड एट द एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। 75th राउंड ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे शोज दैट ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज द एबिलिटी टू यूज इंटरनेट। 20% को ही इंटरनेट कैसे चलाना आता है, बाकी लोग को नहीं आता है, एंड वो सिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया इंटरनेट 2019 रिपोर्ट के हिसाब से रूरल इंडिया हैज़ हाफ द इंटरनेट पेनिट्रेशन एज अर्बन इंडिया। तो रूरल इंडिया में अर्बन इंडिया से हाफ इंटरनेट पेनिट्रेशन है, बट ट्वाइस एज मैनी यूजर्स। तो रूरल इंडिया में ट्वाइस यूजर्स हैं, तो मार्केट बहुत ही बड़ा है, इस तरह से कहा जा रहा है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, एसेंशियली दिस वुड मीन द एबिलिटी टू कनेक्ट। वाईफाई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन एक बेनिफिट है ऑब्वियसली। हेल्प टू ब्रिज द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड को कम करना हो सकता है। पोटेंशियल टू चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ भारत नेट एज वेल। तो भारत नेट जो है उसके तहत इंटरनेट थ्रू द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पहुँचाने की कोशिश की गई थी, एंड उसको भी ये पीएम वाणी जो है लिवरेज कर सकता है। इश्यूज़ क्या है इसमें, भारत नेट एनविजन्स ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस इन इंडिया। The project has
मिस्ड मल्टीपल डेडलाइन, सो मल्टीपल डेडलाइंस मिस कर दिया है भारत नेट प्रोजेक्ट ने, एंड इवन वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड यूसेज ऑफ डेटा इज नॉट इनफ टू इंसेंटिफाई ISPs. तो डेटा लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं कुछ एरियाज में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, तो इस वजह से ये एक इश्यू माना जा रहा है. देर आर सम कंसर्न्स मेनली विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के कंसर्न्स तो होंगे ही. पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड की जा रही है, आप कनेक्ट होते हो तो वहाँ से हैकिंग या फिर किसी और तरह का सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो दैट विल बी एन इश्यू. ट्राई रिपोर्ट रिकमेंड्स दैट कम्युनिटी इंटरेस्ट डेटा टू बी स्टोर्ड लोकली रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट डेटा प्रोटेक्शन. तो जो डेटा है जो लोकल पीपल का, वो लोकली ही स्टोर हो ऐसा कहा जा रहा है. प्रॉब्लम्स ऑफ रेगुलेशन, स्टेट कैपेसिटी अवेयरनेस, ये सब तो है ही है. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, विद पीएम वानी द स्टेट इज एक्सपैंडिंग द रीच ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू दोस हु हैव बीन एक्सक्लूडेड टिल नाउ. गेम चेंजर हो सकता है डिजिटल इंडिया टू डिजिटल भारत का ये स्टेप, राइट? सो दैट वाज रिलेटेड टू पीएम वानी इनिशिएटिव. नेक्स्ट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5, ये रिसेंटली न्यूज में था. फर्स्ट फेज डेटा इसका जो है वो रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा. इसमें प्रोवाइड किया गया है डेटा ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन इन इंडिया, राइट? तो ये डेटा जो है रिसेंटली NFHS 5 का रिलीज किया गया है. हम अ फ्यू ऑफ द डेटा रिलेटेड टू वुमेन, चिल्ड्रन, ये सब डिस्कस करेंगे हियर, राइट? तो NFHS क्या है? इट इज अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे conducted in a representative sample of households throughout India. So number one, it is large scale, yani throughout India ho raha hai, obviously large scale hoga. Number two, multi round survey hai. So first round, second round, is tarah se multi round ka ye survey hai. And number three thing is, it is representative sample ko use kiya jata hai, yani ki पूरे इंडिया के सभी लोगों से जो है क्वेश्चंस पूछ के NFHS का डेटा जो है लिया नहीं जा सकता. तो एक सैंपल लिया जाता है जिसमें पूरे इंडिया के सभी काइंड के पीपल, बीट एथनिसिटी, बीट रिलीजन, ये सब ही उसमें आ जाए. इस तरह से इस ग्रुप को बनाया गया था, रिप्रेजेंटेटिव्स की ग्रुप जो सैंपल होगी जिसके ऊपर ये टेस्ट किए जाएंगे ताकि NFHS का डेटा जो है वो निकल पाए. ओके, तो ये फेज वन प्रोवाइड्स डेटा फॉर 22 स्टेट्स एंड द फील्ड वर्क इन रिमेनिंग 14 स्टेट्स इज अंडर प्रोग्रेस. तो 22 स्टेट्स के बारे में डेटा है, 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में नहीं है, विच विल कम इन द नेक्स्ट फेज. सो ऑल NFHS हैव बीन कंडक्टेड अंडर द स्टुअर्डशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत किया गया है. एंड ये इंस्टीट्यूट का नाम आप याद रखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई इज द नोडल एजेंसी. तो ये जो मुंबई की इंस्टीट्यूट है, दैट इज द नोडल एजेंसी ऑन दिस. मोस्ट पार्ट दिस असेसमेंट हैज़ रिलाइड ऑन द मेजर ऑफ चाइल्ड्स एंथ्रोपोमेट्री. तो यहाँ पर एक छोटी सी इश्यू के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज चिल्ड्रन आर डिफाइंड एज स्टंटेड, they are defined as underweight or wasted if their standardization, if their standardized height for age, weight for age or weight for height, ye sare respectively is more than 2 standard deviations below the WHO child growth standards. तो ये इश्यू बताई जा रही है जहां पर जो ये सर्वे है इसके तहत जो डेटा लिया जा रहा है मोस्टली एंथ्रोपोमेट्रिक है. यानी कि एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब है कि जो बच्चों का जो फिजिकली दिख रहा है उससे रिलेटेड ये किया जा रहा है. पर सजेशन दिया जा रहा है कि एंथ्रोपोमेट्री डेटा नहीं, न्यूट्रिशनल डेटा लेके करना चाहिए, राइट? समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे टू द फूड्स दैट यू आर ईटिंग, सम अदर वे रिस्पॉन्ड करे. तो एक स्टैंडर्ड लेकर इस तरह से एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा को यूज करना इज नॉट ऑलवेज राइट. तो न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए वेट है, हाइट है, एज के हिसाब से सही है या नहीं, ये सब का टेस्ट करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है. तो इंडिकेटर्स क्या क्या है इसमें, 19 आउट ऑफ 22 सर्वेड स्टेट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट वर फाउंड टू बी बिलो रिप्लेसमेंट रेट. तो रिप्लेसमेंट मतलब हस्बैंड एंड वाइफ एंड इनके दो बच्चे
एंड प्लस 0.1, तो सिर्फ 2.1 एक आइडियल जो है टोटल फर्टिलिटी रेट माना जाता है। तो दो आप, दो आपके बच्चे, तो इस तरह से क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो करेगा नहीं, पॉपुलेशन ग्रो नहीं होगा एंड टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। तो इससे भी कम वैल्यूज हैं कई सारे प्लेसेस में जहां पर टोटल रिप्लेसमेंट भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहा गया, विच इज गुड बिकॉज पॉपुलेशन हमारी काफी बढ़ते जा रही है, रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो दैट थिंग इज अ गुड थिंग, ऐसा कहा जा रहा है। तो मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एंड वेमेन आर अनेमिक, अनेमिक चिल्ड्रन एंड वेमेन है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिजेस इन त्रिपुरा। तो ये शॉकिंग है जहां पर चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीज हुए इन त्रिपुरा, मणिपुर एंड असम, सेक्सुअल वायलेंस बढ़ा है इन असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ओके, अदर इंडिकेटर्स अगर देखें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ओवर 90% हो गया है इन सम ऑफ द स्टेट्स एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है इट हैज रिमेंड अनचेंज्ड और इंक्रीज्ड मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। वुमेन ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट्स बढ़ गए हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज, क्लीन फ्यूल भी इंक्रीज हुआ है। What is the way forward? तो पोषण अभियान ये सब का यूज करते हुए न्यूट्रिशन को पुश करना है, ऑल्सो अनेमिया मुक्त भारत जैसे जो इनिशिएटिव्स उनका यूज करते हुए, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और अनेमिया रिलेटेड केयर ये सब करने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2020, रिसेंटली इसे रिलीज किया गया है बाय द UNDP। 131 इंडिया का रैंक रहा आउट ऑफ 189 कंट्रीज, विच इज वेरी मच डिवास्टेटिंग, और हमारा रैंक 2 प्लेसेस कम हो गया है। इंडेक्स वर एडजस्टेड टू असेस प्लैनेटरी प्रेशर्स। तो कई सारे ऐसे जो कंट्रीज हैं जो काफी अच्छा इन्होंने किया और इनका रैंक टॉप 10 में रहा, तो ऐसे कंट्रीज ने ये टॉप 10 में रैंक लाने के लिए जो उनकी डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन किया है, इस तरह से कहा जा रहा है। एंड इसमें अगर इंडिया की तुलना की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज से कम ही हमने फॉरेस्ट या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो ऐसा एडजस्ट किया जाएगा तो सबकी रैंकिंग ऊपर नीचे होगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स के बारे में देखते हैं, तो फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस न्यू मैट्रिक, जहां पर इम्पैक्ट कॉस्ट बाय ईच कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन कमीशंस, कार्बन एमिशंस एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट। तो कंट्रीज को जो है उनके कार्बन एमिशंस पर भी जज किया जाएगा, तो उनकी रैंकिंग और भी कम हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। कम इन द सेंस इट विल बी मोर वर्स्ट, एंड जो लेट्स से फर्स्ट रैंक है उसकी रैंक बढ़कर लाइक सम 15 कुछ हो जाएगी, तो ये चीज़ें जो है देखी जा सकती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने डेवलपमेंट किया है तो दैट इज बाय डिग्रेडिंग, डिप्लीटिंग द और पुटिंग मोर एंड मोर प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, उससे कार्बन फुटप्रिंट, मटेरियल फुटप्रिंट भी बढ़ता है, राइट। अदर इंडिसेस क्या है इस रिपोर्ट के पार्ट है, जो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। डायमेंशंस क्या है, लॉन्ग लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, HDI एक असेसमेंट है नेशन का हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का, 2020 के कोविड के बाद के जो है वो इंक्लूड सही से नहीं किया गया है, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट रिपोर्ट। परफॉर्मेंस अगर देखें तो नॉर्वे टॉप पे रहा, पर 15 प्लेसेस डाउन गिर सकता है अगर उसका जो है मैट्रिक को हम एडजस्ट करेंगे विद द जो एमिशंस का जो इंडेक्स है उससे, एंड 50 कंट्रीज विल बी ड्रॉपिंग आउट ऑफ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप। अगर ये कंसिडर किया जाएगा तो 50 कंट्रीज इस ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, जो कि प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI कहा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया फॉल 72 प्लेसेस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा फॉल 45 एंड 40 प्लेसेस इफ ये कंसिडर किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। चाइना वो ड्रॉप 16 प्लेसेस, ऐसा कहा जा रहा है। एंड इंडिया का परफॉर्मेंस अगर देखें तो 2019 का जो है
स्कोर हमारा 0.645 है, 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज हम रहे हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इंडियंस एट बर्थ वाज दिस मच एंड स्लाइटली लोअर फॉर द साउथ एशियन. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम है साउथ एशिया एवरेज से. एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है 12.2 ईयर्स इंडिया में, बांग्लादेश में इतना है एंड पाकिस्तान में इतना, जो कि कम है. ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इंडिया एट दिस मच फेड बेटर दैन अदर्स इन 2019. ग्रॉस नेशनल इनकम हमारी बेटर है. ठीक है, तो दिस वॉज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. रिसेंटली सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन द लीड बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज रूल्ड दैट द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम डोनर्स वॉज नॉट सर्व will not serve any large public interest and will violate provisions of the act itself. तो donors के नाम as part of electoral bond scheme देने चाहिए, इस तरह से कई मांगे आ रही हैं. तो CIC ने कहा कि ये नहीं होगा क्योंकि ये act के खिलाफ ही चला जाएगा, right to information and जो भी electoral bonds की scheme है उसके खिलाफ जाएगा. And electoral bond scheme allows citizens and corporates to buy monetary instruments from the State Bank of India and donate them to political parties who can redeem them for money. Electoral bond scheme है क्या? Monetary मनी देकर आप ये बॉन्ड्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं. एंड ये बॉन्ड्स अगर पॉलिटिकल पार्टी का आप देंगे तो वो अपने एक्सपेंसेस के लिए इसको कैश करा लेगा. तो इस तरह से जो भी पैसे हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ रहे हैं एंड इलेक्ट्रल फंडिंग जो है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो फॉर्मली पता चलेगी. तो व्हाट आर द इश्यूज हियर? तो कमीशन ऑब्जर्व दैट द डिस्क्लोजर ऑफ नेम्स ऑफ डोनर्स एंड डोनीस मे बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 81EJ ऑफ द RTI एक्ट विच एग्जेम्प्ट्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू गिव अ सिटीजन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप. ठीक है, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाना चाहिए जहां पर डोनर्स डोनीज के इन्फॉर्मेशन जो है दिया जाने के बात आ रही है. अर्लियर 2020 में जनवरी में CIC had directed the center to reveal the names of electoral bond scheme donors who wanted their identities to remain confidential. ठीक है, तो CIC के द्वारा सेंटर को डायरेक्ट किया गया था टू रिवील द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम डोनर्स who wanted their identities to remain confidential. ठीक है, तो ये चीज का दोनों जो है एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं. बट देन यस, दैट इज व्हाट हैपेंड. नीदर द डोनर नॉर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्लाइज्ड टू रिवील होम द डोनेशन कम्स फ्रॉम. तो ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि डोनेशन के बारे में जो है चर्चा की जाए. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हु हैड रिसीव्ड डोनेशंस थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मस्ट सबमिट डिटेल्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिटेल सबमिट करना है. दिस अंडरकट्स अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल द फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन विच इज एन इंटेग्रल एलिमेंट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो है फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है उसको वायलेट कर रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है. तो और क्या इश्यूज है? एलिमिनेशन ऑफ कैप ऑफ 7.5% ऑन कॉर्पोरेट डोनेशन. तो कॉर्पोरेट डोनेशन 7.5% ऑफ द टोटल डोनेशन हो सकता था पहले, अभी उस कैप को हटा दिया गया है. दैट इज एन इश्यू. द गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ पोजिशन टू नो who the donor is because the bonds are purchased through the SBI. Through SBI आप नाम वाम देके ही परचेस कर रहे हो, तो बॉन्ड्स परचेस करते समय डोनर कौन है पता चल ही जाता है. तो गवर्नमेंट को पता है कि डोनर कौन है. इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में अगर देखें तो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशन टू पोलिटिकल पार्टीज. द बॉन्ड्स आर इश्यूड इन दीज मल्टीपल्स. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज. तो ओनली ऑथराइज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं एंड कैश दीज बॉन्ड्स विच आर वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस. दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी. तो ये रिडीमेबल होते हैं बाय द पोलिटिकल पार्टी. Bonds are available for purchase by any person for a period of 10 days each in the months of January, April, July and October as may be specified by the central government. Okay, so that was related to electoral bond scheme. And पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे.
Which of these is correct with respect to delimitation exercise in India? It means act or process of fixing limits or boundaries. ये सही है. 85th amendment नहीं, 84th amendment यहाँ पर related है. तो ये A, one only correct है. Which of these is correct? Switzerland was 11th largest trading partner, right? Treaty of Friendship between India and Switzerland 1948 में हुआ था. C, both one and two is correct. Highways declared by और अंडर पार्लियामेंट, ये किसका पार्ट है, कौन से लिस्ट का? तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है अंडर 7th शेड्यूल, दैट इज राइट. नेशनल हाईवेज आर बिल्ट, फाइनेंस एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द यूनियन गवर्नमेंट. सो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर हियर. आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के ये जो है स्टेटमेंट्स, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर आसियान एंड इट्स 12th डायलॉग पार्टनर्स, विच इज करेक्ट. चाइना इज अ पार्ट ऑफ इट, करेक्ट. सो सी इसका आंसर है. इंडिया उज्बेकिस्तान रिलेशंस डस्ट क्लिक का एक्सरसाइज है इनके बीच का, यस. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये पार्ट है, यस. वन एंड टू इज करेक्ट हियर. डिस्क्राइब इंडिया स्विट्जरलैंड रिलेशंस, आप बैकग्राउंड बता सकते हैं. देन यू कैन टेल अबाउट द कल्चरल कन्वर्जेंस, बायलेटरल टाइज, कन्वर्जेंस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, मिलिट्री कन्वर्जेंस के बारे में आप बता सकते हैं. और ये जो है, तो जिस तरह से यूएस हमारे साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वैसे यूरोपियन कंट्रीज भी कर सकते हैं. इंडियन ओशन एंड मलाबार एक्सरसाइज, जिस तरह से जो मेजर प्लेयर्स हैं जो इंडो पैसिफिक के, उन्हें रोप इन किया हुआ है, उसी तरह से यूरोप इज ऑल्सो इंटरेस्टेड देयर. तो नीड टू एनहांस रिलेशंस इन वेरियस स्पीयर्स, ये आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है इंडिया उज्बेकिस्तान के रिलेशंस, यहाँ पर बैकग्राउंड आप बताइए. सेम कल्चरल कन्वर्जेंस, बायलेटरल टाइज, कन्वर्जेंस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, मिलिट्री कन्वर्जेंस, जहाँ पर डस्ट लिक के बारे में बता सकते हैं. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ट्रेड, INSTEC, इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बता सकते हैं. नीड टू एनहांस रिलेशंस, राइट. सो ये बता सकते हैं. देन क्रिटिकली एनालाइज 84th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैकग्राउंड बताइए. 84th अमेंडमेंट के बारे में, रिलेटेड टू डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन की नीड क्या है, प्रोसेस बताइए. डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताइए. नीड टू फ्रीज डिलिमिटेशन प्रोसेस एज पर 1971 सेंसस. तो 84th अमेंडमेंट के तहत 1971 सेंसस को ही से रिलेटेड ही फ्रीज कर दिया गया था जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है 2026 तक के लिए. तो आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज थे, रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड चेंजेस हो जाते, इसीलिए मेजर्स क्या लिए गए, रिकंसिडरेशन करने की ज़रूरत है. डिलिमिटेशन एज पर 2031 सेंसस अगला होगा, ऐसा आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं. ओके, तो आपके आज के लिए क्वेश्चन से फॉर दिस सेशन, विच ऑफ दिस इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पीएम वानी. इट विल बी प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज थ्रू प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क इन द कंट्री एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेटा के तहत 54% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू इंटरनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से रिलेटेड. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज 90% इन 14 आउट ऑफ 22 स्टेट्स. 19 आउट ऑफ 22 स्टेट्स में बिलो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 हो गया है TFR, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय IUCN, IPCC, UNEP, UNDP. नेक्स्ट मेन्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इश्यूज विद इंडियन जुडिशियरी एंड द मेजर्स टेकन. डिस्क्राइब इंडिया यूएस रिलेशंस इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया बीइंग पुट इन द वॉच लिस्ट ऑफ करेंसी मैनिपुलेटर्स. डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज रीच ऑफ इंडियन पॉपुलेशन टू इंटरनेट, राइट. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स. 43 मिनट्स.